यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल पंखों को खोल, जमाना तो तेरी उड़ान देखता है, जमाना तो तेरी उड़ान देखता है। हेलो फेलो लायंस, आई एम लायन गगन वधवा, प्रेसिडेंट लायंस क्लब ऑफ अहमदनगर प्राइड, ऑलवेज रेडी टू फ्लाई हाई। So today I am here to share my thoughts on the major issue which is being faced by us all, that is how to increase lionism in Ahmednagar. Lionism एक नशा है, एक जज्बा है कुछ करने का सोसाइटी के लिए, जो लोगों को ज़रूरत है उनके लिए। ये एक दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है जो हमें आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी पास ऑन करना है। सो बेसिकली लायनिज्म इंक्रीज करने के लिए अहमदनगर में तीन बदलाव चाहिए। नंबर वन, इंक्रीजिंग मेंबरशिप एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। नंबर टू, शोकेस व्हाट यू आर, शोकेसिंग व्हाट यू हैव बीन। एंड नंबर थ्री एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ब्रांड इमेज डेवलपमेंट। सो मैं वन बाय वन ये पॉइंट्स लेती हूँ एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस विद यू ऑल। नंबर वन इज़ द लीडरशिप डेवलपमेंट एंड इंक्रीजिंग द मेंबर्स इन द लायंस क्लब। यहाँ मैं एक कोट करना चाहूँगी रोनाल्ड रीगन जी का, द ग्रेटेस्ट लीडर इज नॉट नेसेसरली द वन हु डू द ग्रेट थिंग्स, ही इज़ द वन दैट गेट्स द पीपल डू द ग्रेटेस्ट थिंग। माइंड इट, ग्रेट लीडर्स मेक लीडर्स। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे सभी सीनियर लाइन मेंबर्स की। प्रियोरिटाइज, द की इज प्रियोरिटाइज। लाइनिज्म शुड नॉट बी सेकेंडरी एनी मोर, इट शुड बी द प्राइमरी थिंग। एंड ये हमारे सीनियर मेंबर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यंग मेंबर्स को इन्वॉल्व करें। दे शुड कीप इवेंट्स जिसमें यंग मेंबर्स को हम बुलाएं और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाए, उन्हें इन्वॉल्व किया जाए, उन्हें लायनिज्म की महत्ता के बारे में बताया जाए। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड सेकेंडली इज़ इंक्रीजिंग द मेंबरशिप। हाउ टू इंक्रीज द मेंबरशिप, दैट इज़ अ मेन क्वेश्चन। मेरा यहाँ पे फोकस है ऑन द लियो क्लब्स। वी हैव वेरी फ्यू लियो क्लब्स इन द नगर रीजन एंड दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गेन मोर एंड मोर मेंबरशिप, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी, तभी एक सशक्त क्लब बनेगा आने वाले टाइम में। सो आई थिंक हमारे जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, दे मस्ट अप्रोच देयर किड्स, देयर कलीग्स, देयर फ्रेंड्स, द कॉलेजेस टू प्रमोट लियो क्लब्स। आउट ऑफ द वे जाके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लियो क्लब्स बनाने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में वो एक अच्छा लायंस क्लब का फॉर्म ले सके। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है शोकास, शोकास योर वर्क। वी हैव वेरी लेस मीडिया प्रेजेंस, हमारा बहुत थोड़ा मीडिया प्रेजेंस है और सोशल मीडिया तो बहुत ही कम है। वी आर नॉट देयर इन नगर रीजन फॉर द सोशल मीडिया, बट दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इतना काम होता है पर वो नज़र नहीं आता है, नज़र आना ज़रूरी है। अगर हम लोगों तक पहुँचेंगे ही नहीं तो लोग हमारे पास आएंगे कैसे। That is very much important कि हम local news channel, local newspapers में हम visible हों। So मेरी appeal है सभी Lions Club से जो नगर region के हैं, if even you are doing the smallest of the project, try and please portray it. If not like this, one thing which could be done is 3-4 clubs can opt for a Lions column in 2 months, and whatever they have done could be showcased in that Lions column. एक लायंस कॉलम बनाया जाए किसी भी न्यूज़पेपर में, हर 2 महीने में हमारे सभी क्लब्स ने जो किया है उसमें हाईलाइट किया जाए आर वर्क। सो दिस कैन ओनली बी डन इफ वी कम टुगेदर। नाउ आई विल कम टू द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिल्ड योर ब्रांड इमेज। ब्रांडिंग होना बहुत 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 ज़रूरी है। एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, वी वेंट टू सिलीगुड़ी लास्ट ईयर प्रोबेबली, और जब हम मार्केट में गए तो हमें मिला लायंस क्लॉक टॉवर। जुहू बीच पे गए तो वी गॉट शॉवर एंड लॉकर फैसिलिटी विच वॉज अंडर लायंस क्लब। देन वी वर इन कोलकाता में मैंने देखा लायंस अन्नपूर्णा,
एक स्मॉल छोटा सा एक ऐसा उन्होंने बनाया है जहाँ पे फूड आउटलेट वे ₹5 थाली, बट पीपल आर लर्निंग अबाउट लायंस. माई होम सिटी अम्बाला, वेन यू एंटर अम्बाला कैंट यू विल गेट लायंस क्लब ऑफ अम्बाला कैंट वेलकम्स यू. वाई नॉट, वाई अहमदनगर इज नॉट हैविंग एटलीस्ट अ वेलकम बोर्ड. We can have small things. We can have a lion yoga center. We can have a place where we can exhibit our things. For example, we can have a lion's park. We can have some sitting arrangement for the senior citizens in the name of the lions. We can have a developed lion chalk. So brand image hona bahut zaruri hai. Ab meri teenon baatein, leadership development and membership, showcase your work एंड ब्रांडिंग, तीनों को विजिबल करना है तो वी नीड फंड्स. फंड रेजिंग इज द की. नाउ एक बहुत बड़ा प्रश्न है, फंड कैसे रेज किया जाए लायंस क्लब के लिए. आई हैव अ आइडिया इन माई माइंड, वाई नॉट द लायंस क्लब कम टुगेदर, ऑल द लायंस क्लब दे हैव टू कम टुगेदर एंड रेज अ बिग. क्यों हम एक लायंस बिजनेस एक्सपो नहीं रख सकते हैं, या क्यों हम एक एग्जीबिशन महिलाओं के लिए नहीं रख सकते हैं जहाँ सभी लायंस क्लब. द इन्वेस्टमेंट, द बिगनिंग इन्वेस्टमेंट शुड बी फ्रॉम द पेरेंट क्लब्स एंड वॉट एवर फंड इज रेज्ड आउट ऑफ द इवेंट शुड बी यूज्ड कलेक्टिवली बाय द लायंस क्लब्स ऑफ अहमदनगर टू मेक और सेटअप समथिंग विच इज विजिबल टू द पीपल. चाहे वो लायंस का हॉस्पिटल हो, चाहे वो लायंस का पार्क हो, चाहे वो लायंस का चौक हो, लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर हम नगर के सभी क्लब एक साथ, क्योंकि अकेले ये नहीं किया जा सकता. सो द ब्रांड बिल्डिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द फंड रेजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस. सो आई वॉन्ट टू कोट ओवर हेयर अबाउट हेनरी फोर्ड, कमिंग टुगेदर इज अ बिगनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस एंड वर्किंग टुगेदर इज अ प्रोसेस. सो मेरी अपील है सभी सीनियर मेंबर से टू प्लीज एंड प्लीज help us to come together and let's work together for success. So I'll end my speech over here with a small quote. You zindagi mein chauke lagane ke liye mauke ka intezar mat kijiye, zindagi mein chauke lagane ke liye mauke ka intezar mat kijiye, khud mauka banaiye aur chauka lagaiye. Thank you so much.